हाँ दोनों बाद में दिखाऊंगा। नहीं हाँ हाँ नहीं मारा। देखो आते आते देखो अभी अभी आए हैं, मार रहे हो पापा को। सोने के लिए अभी मुझे बोला था मामा मुझे नींद आ रही है जैसे। चली चली देव जल्दी जल्दी करबो जी, मुनगा भाजी बनाबो है ना। सब कुछ बन गया है फ्रेंड्स, बस यही बनाना बाकी है सब्जी। आई मीन दाल भात बन गया है, सब्जी बस बनानी बाकी है। हम कोई घर में है नहीं ना, माँ बाबू जी नहीं है, तो हम बड़े ही आराम से कर रहे हैं, बहुत आराम से। ये देखें कितना कचरा हो गया है पूरा। और ये अभी लाइट चला रहे हैं। अरे आप भी हमारे साथ बड़ा खाने को, ए लो खा लो। फ्रेंड्स देखिए मैं मुर्गा भाजी कितने अच्छे से बनाती हूँ, सब तो मेरी तारीफ करते हैं जब मैं मुर्गा भाजी बनाती हूँ। किसको किसको मुर्गा भाजी पसंद है। बहुत ही सिंपल भाजी है, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं डालना पड़ता, सिर्फ थोड़ा सा लहसुन और मिर्च नमक बस, और हो जाता है हमारा मुर्गा भाजी तैयार। तो देख सकते हैं कितना अच्छा बना है, और ये लगभग बन ही चुका है। तो अभी हम ये बनने के बाद में खाना खाने वाले हैं। तो बताइएगा ज़रूर ना किसको किसको मुर्गा भाजी पसंद है, किसको किसको नहीं पसंद है। मुझे बहुत पसंद है, जिसको जिसको मेरे हाथ का मुर्गा भाजी खाना है ना, जल्दी से कमेंट करें और जल्दी से मेरे घर पहुँचें, सबको खिलाती हूँ। तो ओके जिसको जिसको खाना है फ्रेंड्स मेरे साथ आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ। ये रही मेरी मुनगा की सब्जी। और ओहो प्यार प्यार मोहब्बत इश्क सब कुछ इन्हीं के अंदर है। मम्मा को बता दो ना मैं कहाँ जा रहा हूँ, आप कहाँ जा रहे हो बता दो ना इसको। हाँ हम लोग दुकान से आए। कौन सा दुकान गए थे आप लोग? तो शॉप देखो बेटा वो कैट को भगाओ बेटा। क्यों चले जाते हो लल्ला? सीढ़ी में देख रहे हो, सीढ़ी फिसल जाओगे तो स्कूल। हाँ वो तो है, स्कूल जाएगा तो सुधर जाएगा। रेशम नहीं आप खा लोगे, मैं अब आपको अलग से थाली में दूंगी, आप खा लोगे उसके बाद मैं जूठा को खाऊंगी। आप क्यों अब एक साथ नहीं खाएंगे? क्यों ऐसे ही? ऐसा क्यों? मैंने कुछ पढ़ा है ना तो मदिरा के समान होता है। और यहाँ पे हम घर से निकल चुके थे फ्रेंड्स, वहाँ जाने के लिए, सब्जी जाने के लिए। मुझे बहुत दुख हो रहा था एक्चुअली ना, 1 या 2 दिन से ज़्यादा मैं घर पे रहती हूँ ना, 2 दिन 4 दिन घर में रहती हूँ। तो मुझे, और जब मैं वहाँ से निकलती हूँ यहाँ आने के लिए, तो मुझे बहुत दुख होता है, सच में हमेशा की बात है। इसलिए ना मैं बहुत दिन बाद में जाती हूँ, ताकि मैं दुखी कम होऊँ इस बात को लेकर। इसलिए ना बहुत दिनों बाद, बहुत महीनों बाद मैं रुकने को गई थी, और मैं 10 दिन रुकने वाली थी, लेकिन कुछ ज़रूरी काम था तो मुझे आना पड़ा यहाँ। ऑनेस्ट पता नहीं कब जाने को मिलेगा, पता नहीं है उसका, कभी पता नहीं रहता है कब जाना है, कितने दिनों के लिए जाना है, कुछ फिक्स नहीं रहता। सडनली प्लानिंग बनती है और चले जाते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल नेक्स्ट प्लानिंग बहुत दूर लग रहा है, क्योंकि अभी कुछ अलग होने वाला है लाइफ में, कुछ अच्छा। तो उसके लिए मुझे यहाँ रहना पड़ेगा जहाँ हम जा रहे हैं। तो कि आपको एक चीज़ दिखाना चाहती थी, यहाँ पे देखो बच्चे स्कूल से मतलब छुट्टी हो रही थी ना स्कूल से, तो ये सब अपने घर को जा रहे थे। और ये वाला सीन देखकर ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा, इसलिए मैंने अपना कैमरा निकाला और शूट कर लिया और आपको शेयर कर रही हूँ। देखो कैसे बच्चे एक सी यूनिफॉर्म में कितने अच्छे लगते हैं ना साइकिल में जाते हुए। मेरे दिन याद आ गए जब मैं भी ऐसे ही यूनिफॉर्म सेम टू सेम पहन के 1 साल में भी गई हूँ, 1 साल में भी ऐसे ही यूनिफॉर्म में इस स्कूल में पढ़ाई करी हूँ, इस स्कूल में नहीं अपने उधर के। तो मुझे वो दिन याद आ रहे थे, इसलिए मैंने थोड़ा सा उस पल को मतलब कैप्चर करना चाहा, तो मैंने किया। आप सबको शेयर कर रही हूँ, अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट करना कुछ अच्छा सा, और आपको बाहर दिखाती हूँ। क्योंकि अभी पिछले हम जा रहे थे घर तो कम पानी था, लेकिन अभी आ रहे हैं तो यहाँ का पानी डबल हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है। बाढ़ के रूप में आपको दिखाती हूँ। मैं नहीं करी हूँ ना, एक हाथ मार्केट है। बड़े सिपत मार्केट कुछ लेना है घर के यार, थैला भी तो नहीं है हमारे पास। आजकल थैला जरूरी है। हाँ पन्नी वन्नी खत्म। अरे वाह, वो तो सबको ही बहुत सारे लोग पकड़ के घूम रहे हैं जी पन्नियाँ, और इन्होंने अपना चटनियाँ अपनी चटनी उस पन्नियों में ही तो रखे हैं। देखो पन्नी खत्म हो गई, जब तक है तब तक चलेगा, मतलब और नहीं बनेगा और नहीं मिलेगा। अच्छा ओके, बाबू कैसे खा रहा है, समोसे खा रहे, भजिया खा रहे हैं, मैं बेसन नहीं मैदे का भजिया है, मैदे का ना। सोना देखो तो, सोना देखो ना एक बार, आओ ना। और फाइनली हम हमारी जगह पहुंच चुके हैं। ये देख सकते हैं हमारा शहर है, हमारा गांव है, हमारी जगह है। ये फाटक क्रॉस करेंगे और हमारी शक्ति। तो यहाँ देखिए जो भी जगह गड्ढे हैं सब में पानी भरा हुआ है, और इधर बारिश का नामो निशान नहीं है, बट उधर कैसे जगह जगह पर पानी भरा था। लेकिन यहाँ पे देखो सूखा सूखा लग रहा है ना, उधर कितना पानी भरा है। जितनी भी कीचड़ और मतलब जो होते हैं ना गड्ढे, उसमें कितना सारा पानी भर गया था। तो ये फ्रेंड्स यहाँ लास्ट टाइम हम गए नटराज होटल, शक्ति का फेमस होटल है। थोड़ा यहाँ पे बढ़िया सुकून से बैठ के खाने का सुविधा है। बाकी ऐसे होटल ना सिर्फ 2-4 ही हैं, बाकी जितने भी होटल हैं वो सब ठेला वेला बहुत सारे हैं। बट होटल जो रेस्टोरेंट होते हैं जहाँ पे आप आराम से बैठ के खाना खा सकते हो, नाश्ता कर सकते हो, वो सिर्फ 2-3 ही है। तो ये जगह भी अच्छी है। तो यहाँ पे थोड़ी देर हम कुछ चीज़ें खरीद रहे थे, उसके बाद हम सीधे घर को जाएंगे, थोड़ी वहाँ पे बातें करेंगे और हमारी वीडियो को एंड करेंगे। तो आप सभी वीडियो पे प्लीज़ बने रहिए, कितने टाइम तक व्लॉग पे बने हो तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। ओके नहीं ऐसी रहता है बाबू, ऐसी ही रहता है। चक्का चेंज करवा रहा है, देख रहे हो। क्यों यार फ्री में मिलता है क्या? नहीं, इसमें का इसमें डालो, इसमें का इसमें डालो। क्या ड्रामा है बेटा आपका ये? ड्रामे बाजू बेटू, मेरी सोन की बेटी। क्या हुआ है बेटा, क्या परेशानी है आपको? अरे मुझे कहना दे लो, ठीक बन गया। खुश खुश हाय। सो एवरीवन घर पहुंच चुके हैं, और हमारे साथ क्या हुआ, घर पहुंच चुके हैं, बहुत अच्छे से पहुंचे हैं। रास्ते पे थोड़ा सा रोड की वजह से दिक्कतें हुई थी, क्योंकि गड्ढे जो होते हैं उसमें पानी भर गया था। और कोई भी परेशानी नहीं हुई। हम सोच रहे थे रास्ते में बारिश वारिश हो जाएगी तो भीग जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बहुत मज़े से पहुंचे हैं। और सुबह से क्या हुआ हमारे साथ, बाबूजी माँ घर पे थे नहीं, और लोग मामा गाँव गए थे, और हमने बाकी का चीज़ें जो भी आपको शेयर की हूँ ज़्यादा कुछ शेयर नहीं कर पाई हूँ, ज़्यादा कुछ व्लॉग नहीं बना पाई हूँ, क्योंकि जब मुझे घर जाने की, यहाँ आने की होती है ना बातें, यहाँ आने की बातें फिक्स होती है तो मुझे थोड़ा सा घबराहट होने लगता है, अजीब सा, पता नहीं क्यों ऐसा होता है, हमेशा की बात है। यहाँ से वहाँ जाना रहता है तब भी घबराहट होती है, वहाँ से यहाँ आता है तब भी मैं थोड़ी सी घबरा जाती हूँ, मतलब थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, और ऐसे कुछ कुछ होता है। क्या वाह मेरा बेटा स्वीट दे रहे हो तो सोना, जब पकड़ रहे हो तो छोड़ देना चाहिए ना। और ये देखिए मेरे बेटे की फोटो, कितना प्यारा दिख रहा है ना मेरे बेटे, कैमरे में नहीं दिख रहा था ना। पिंपल हो गया है जी, पिंपल और मेरा तो बचपन का नाता है, आज तक नहीं गया साथ के, चलो कोई तो साथ में है मेरे हमेशा। तो बाबूजी और माँ शाम को आने वाले थे 4 बजे जैसे, लेकिन मैंने कॉल करके ना उनको जल्दी बुला लिया था, क्योंकि मुझे यहाँ आना था और उनको भी जल्दी से, ये भी लगभग 12 बजे पहुँच गए थे वहाँ पे, तो 2-3 बजे हमें वहाँ से निकलना ही था, तभी हम यहाँ शाम से पहले पहुँच सकते थे। ऐसा है ना बारिश का मौसम है तो थोड़ा जल्दी से आना जाना करना चाहिए बस, देखिए। और ओके फ्रेंड्स, तो ये वीडियो यहीं पे एंड करूँगी, अभी आए हैं, जस्ट पहुँचे हैं, फ्रेश होएंगे, डिनर बनेगी, खाएंगे, कुछ नहीं खाया है रास्ते में मैंने, ये लोग कुछ खाए थे बट मैं नहीं खाई थी, और मुझे कुछ खाने का मन नहीं हो रहा है, मैं आराम करूँगी। और आज का खाना हो सके तो ये बनाएंगे, डिनर ये बनाएंगे, और या फिर घर में जो भी चीज़ें हैं इसको खा लेंगे। वैसे खाए नहीं, वैसे मैं तो मस्त खाई थी घर में, लेकिन ये लोग उनको खाना चाहिए ना, बाबू भी आज सही से खाना नहीं खाया था घर में। तो ओके फ्रेंड्स, यहीं पे वीडियो को एंड करेंगे। कोई सा भी पार्ट वीडियो की अच्छी लगी होगी तो क्या करना है आप सबको, लाइक कमेंट करनी है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं नई वीडियो पे आप सभी को, और मिलते हैं नए वीडियो पे, नए ब्लॉग पे, नए खुशियों के साथ, नए दिन की शुरुआत करते हुए, नया सब कुछ हो और सब कुछ अच्छा हो। आई होप आप सभी वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे फ्रेंड्स। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नई वीडियो पे आप सभी को, जय श्री कृष्णा, बाय एवरीवन।